ये ढेंचू बहुत उस्ताद निकला, असली बात बताने से पहले कन्नी काट गया। एसीपी साहब ने उसे डीसीपी के चुंगुल से बचा के मुंह में भेजा, मगर वो वहाँ भी नहीं पहुँचा। सर मुझे तो लगता है ढेंचू को कुछ हो गया है। कुछ हो गया मतलब गया ऊपर? हाँ सर, उसकी घड़ी मिली थी ना सर लाश के पास। लाश के पास अपनी घड़ी ऐसे तो छोड़ के जाएगा नहीं। सर मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ढेंचू इधर ही है, मसूरी में। मेरी बात का विश्वास कीजिए सर। तुमने देखा है उसे? नहीं सर, मेरे खबरी ने देखा है सर। कहाँ पे? सर अमर होटल में, कमरा नंबर 106 में। सर वो रहा हमारे होटल। कमरे में तो कोई नहीं? नहीं सर। Damn. पानी की आवाज। लगता है ढेंचू को यहीं पे बांध कर रखा गया था। सर अमित, ये देखिए सर, ये कप अभी तक गर्म है। और सर पंखा भी चल रहा है। सर इसका मतलब थोड़ी देर पहले तक वो यहीं था। ये बताइए कि जो आदमी यहाँ पे था ढेंचू, उसको बाहर जाते हुए देखा आपने? नहीं, बाहर नहीं गया। क्या काम? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, जल्दी जल्दी दरवाजा खोलो जल्दी। क्या हुआ? मैं इतना घबराया क्यों है? मुकेश मर चुका है। क्या? मुकेश मर क्यों? डीसीपी चित्रोली ने मार दिया उसे। वो हम सबको भी मार देगा। इससे पहले कि वो यहाँ पहुंचे, हमें अपने अपने ठिकाने बदल देने चाहिए। वो ठिकाना तो बदल लेना चाहिए, पर ये इसका क्या करें? इसको ना तो यहाँ छोड़ सकते हैं और ना ही साथ ले जा सकते हैं। इसको मार के यहीं फेंक दे। अरे तो जल्दी करो, मारो इसे और निकलो यहाँ से। सुना है आप लोगों को पता चल गया कि लाश एक गवर्नमेंट एजेंट की है? हाँ, ये आदमी CID इंटेलिजेंस में काम करता था। CID इंटेलिजेंस में? मतलब एक CID इंटेलिजेंस ऑफिसर का खून हो गया? हाँ, और खून भी एक CID ऑफिसर ने किया है, DCP चित्रोले ने। क्या कह रहे हो यार? ठीक कह रहा हूं मैं, लोगों ने देखा है उसे गन लेकर कमरे में घुसते हुए। ये चित्रोले को हो क्या गया अचानक? ये इसका भी खून चित्रोले ने ही किया है। क्या? इसे भी चित्रोले ने ही मारा? यस सर, इसके कपड़ों पर जो खून लगा हुआ है वो चित्रोले का ही खून है। ये चित्रोले ने इसे मारा तो जरूर, लेकिन जल्दी जल्दी में कुछ छोड़ गया। क्या? ये देखो, ये भाई साहब अपने कान के पीछे खजाना छुपा करके घूम रहे हैं। ये देखो, ये चिप छिपा करके रखा है इसने कान के पीछे।
इतना डरा हुआ क्यों है? कहीं पे चिट्ठी, कहीं पे पर्ची, ये हो क्या रहा है? ढेचू मर गया? हाँ, बड़ी मुश्किल से जान जोखिम में डाल के एक फोटो लेके आया हूँ। कहाँ मारा उसे? मसूरी में, मार के पहाड़ियों के नीचे फेंक दिया था उसे, जॉर्ज एवरेस्ट में। मैं अब आपके लिए काम नहीं करूंगा सर। अरे इतने सालों से पाल रहा हूँ तुझे और बाकी लोगों को मुकट में, जब मुझे खबर चाहिए तो हाथ ऊपर कर रहा है। चित्रोली साहब, अब खतरा बढ़ गया है। तुझे मालूम है ना मैं गद्दारों का क्या हाल करता हूँ? सर, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। एक के बाद एक लाशें बिछा रहे हैं आप। सीआईडी वाले आ गए हैं, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, एसीपी आपको छोड़ेगा नहीं। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे छोड़ूंगा ही नहीं, चाहे वो एसीपी प्रद्युमनी क्यों ना हो। आप एसीपी को मार देंगे? हाँ, इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता है, एसीपी भी नहीं। ये है फोटो सर, ये तो उसी आदमी की फोटो है, इसका खून हुआ था। हाँ, किसे चित्रोले ने मारा है? सर, इसका मतलब ये दोनों मरने वाले एक दूसरे को जानते थे। पंकज, जब तुम किसी की फोटो अपने कान के पीछे लेकर घूमोगे तो इसका एक ही मतलब हो सकता है ना, कि तुम उसे जानते ही होंगे ना। फिर तो सर ये चित्रोले सर को भी जानते होंगे। बिल्कुल, चित्रोले ने इन दोनों को भी मारा है, इसका मतलब है उन्हें जानता था। सर, इसमें चार लोग और भी है अभी। सर, इनका क्या होगा? इन्हें भी मार डालेगा वो, बड़ा कुरापति दिमाग है इस चित्रोले का। सर, इसमें छठी फोटो जॉर्ज एवरेस्ट की है। जॉर्ज एवरेस्ट? हाँ सर, मसूर के कोने में पहाड़ी के ऊपर ये जगह। खतरनाक जगह है सर ये तो, यहाँ तो किसी का बचना मुश्किल है। हाँ, देखो जरा आसपास, क्या वह डी चुका? नीचे
सर, ये वही पेन है जो आपने ढेचू को दिया था, माइक्रोफोन वाला। और ढेचू? देखिए सर, ये बहुत गहरा है सर, कुछ नजर नहीं आ रहा। थोड़ा और नीचे जाकर देखो। यस सर। रस्सी फेंको। संभाल के अभिजीत, ध्यान से। ढूंढो वहां पर। अरे ये तो वही है। हाँ, इसकी फोटो तो चिप में थी, उन पांच लोगों में से एक है। सर, क्या हुआ? यहां पे एक लाश मिली है। माय गॉड, ढेचू? नहीं सर, उन्हीं पांचों में से एक की। ऊपर भेजो। ओके सर। संभाल क्या? संभाल के। लो। इसके पीठ पर गोली मारी है। सेलफोन देखो जरा, किस किस के साथ बात की है इसने। सर लगता है एक ही गोली का घाव है। सर हाँ सर, ये देखिए किसका नाम है, DCP चित्रोले। सर मैं ढूंढ लिया, मगर ढेचू का कोई पता नहीं चल रहा है। तो ढेचू के साथ हुआ क्या होगा? सर हाँ, पल्टन बाजार के एक कपड़े की दुकान की रिसीट है।
विशंबर सहाय एंड सन्स पल्टन बाजार, तो कोई चित्रोले का अगला शिकार यहीं पे तो नहीं पल्टन बाजार में? सर हम लोग सीआईडी ब्यूरो। हेलो वेलकम। देखिए जरा ये दुकान किस तरफ है? ये वाली, ये सामने। थैंक यू वेरी मच। इनमें से कोई आया था यहाँ पे? हाँ हाँ सर, ये आदमी यहाँ 15 मिनट पहले आया था और सर किसी पार्सल वार्सल की बात कर रहा था। पार्सल? कैसा पार्सल? ये तो मुझे मालूम नहीं सर, और यहाँ पे तो सर ऐसा कोई पार्सल किसने छोड़ा भी नहीं है। फिर क्या बोला वो? सर फिर मैंने उससे पूछा कि तुमसे किसने कहा कि यहाँ पर पार्सल रखा हुआ है। सर अचानक ये बात सुन के उसकी आंखें फट गई और वो यहाँ से भाग निकला। अरे लेकिन अचानक आदमी ऐसे थोड़ी ना डर जाएगा, कुछ सुना होगा उसने, कुछ देखा होगा। हाँ सर अचानक एक आदमी यहाँ आया था सर, सीढ़ियों से ऊपर गया सर, उसके पास गन थी। उस आदमी के पास गन थी? यस सर, ऐसा लग रहा था कि अगर ये आदमी नहीं भागता तो गन वाला आदमी उसका खून कर देता यहाँ पे। गन वाला आदमी कहीं? उस आदमी की शक्ल देखी थी तुमने? जी सर। देख के बताओ यही था वो आदमी? हाँ सर यही था वो आदमी। ये आदमी किस तरफ भागा था? जी दाहिनी तरफ। वाह उधर से आइए। निखिल तुम इस तरफ से जाओ, विनीत दाहिनी तरफ से घेरो। पटाखे नहीं चले, गोलियां चल रही, आप लोग अंदर चलिए प्लीज। सर प्लीज अंदर चलिए, जल्दी चलिए, गोली लग सकती है आप लोगों को। आपको नहीं लगेगी? सर हमें भी लग सकती है, लेकिन प्लीज समझिए अपने आप को प्लीज। ऊपर 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 है वो सीढ़ी का है। सीढ़ी सीढ़ी हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी से।
एसीपी साहब रुक जाइए वरना गोली चला दूंगा। सर सर प्लीज। तुम लोग हो कौन? सर हम लोग सीक्रेट एजेंट्स हैं, खुफिया, छुप छुप के काम करते हैं देश के लिए। किसी को भी हमारे बारे में मालूम नहीं है। न जाने कहां से चित्रोले को पता लग गया और वो हमारे पीछे पड़ गया। तो सीक्रेट एजेंट हैं ये लोग, दुनिया भर के कारनामे करते रहते हो तुम लोग, फिर भी डरे डरे से हैं? क्यों? सर ये चित्रोले हमें बोलने लगा, पैसा तो नहीं तो तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। सर हम कौन लोग हैं? ये माफिया वालों को और दुश्मनों को पता लग गया तो हमें खत्म कर देंगे सर। डीसीपी चित्रोले ने तुम लोगों से पैसे मांगे? हाँ सर, हमने उसके बॉस को कंप्लेंट कर दी। फिर? सर दूसरे दिन से चित्रोले ऑफिस गया ही नहीं, बस हमारे पीछे पड़ गया। अच्छा, इसीलिए हमें भी नहीं बता रहा था ये चित्रोले की बात क्या है। ये चित्रोले सर, सर हमारा एक साथी तो मारा गया हरिद्वार में, दूसरे को उसने मारा मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट के पास। अब हम बाकी तीनों की जान तो आप ही बचा सकते हैं सर। अरे तो बचाए ना तुझे। तो ये बता, पल्टन बाजार क्या करने गया था तू वहाँ? सर अगले हफ्ते मेरी वाइफ का जन्मदिन है, बस उसी के लिए कुछ कपड़े खरीदने गया था, बस वही चित्रोले साहब आ गए और उन्होंने गन निकाल ली। देख मैं मानता हूँ कि चित्रोले कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्या तेरे पास सबूत है कि चित्रोले ने तेरे से पैसे मांगे? है ना सर, जो जो उसने फोन किया हमें उस सब की रिकॉर्डिंग है हमारे पास। रिकॉर्डिंग है? अरे है तो दे ना सबूत। सर जब चित्रोले मेरे पीछे पड़ गया तो वो सबूत मैंने अमित को दे दिया। ये अमित तेरा साथी है ना? हाँ। तो उसका नंबर तो जरूर पता होगा तुझे? हाँ सर। बोल नंबर बोल। बचपन से कहावत सुनता आ रहा हूँ सर, भागते चोर की लंगोटी ही सही। यहाँ पे तो चित्रोले का लंगोट। चित्रोले का लंगोट नहीं, चित्रोले चाहिए मुझे, चित्रोले। कमीने पद पे उतर आया है वो, एकदम आत्मा की तरह बन गए हैं सर वो, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। इस आत्मा को जमीन पर लाने का वक्त आ गया है अभिजीत। जी सर। इस आत्मा के पंख काटने ही पड़ेंगे। मतलब सर? मतलब किल चित्रोले सर, दिखते ही गोली मार दो से। ये ठीक नहीं है सर, आप हमें इस तरीके से किसी का खून करने का ऑर्डर नहीं दे सकते। तो क्या चित्रोले के गले में माला डालूंगा? सर उनको गिरफ्तार करके कानून के हवाले करना चाहिए। और जब तक वो गिरफ्तार ना हो तब तक वो लोगों को मारता रहे और हम लाचे गिनते रहे। फिर भी सर अभिजीत, अगर तुम भूल गए तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, हमारी सिर्फ यही ड्यूटी नहीं कि खून किसने किया ये ढूंढने की, बल्कि खून होने से रोकना भी है। जी सर। चित्रोले पुनेगर उसे मिला है, सीआईडी पर डब्बा है वो, डब्बा। और ये डब्बा साबुन से नहीं, बंदूक की गोली से ही मिटेगा, बंदूक की गोली से। सर डीसीपी चित्रोले के खिलाफ सबूत पहले रोहित के पास था। हाँ, और उसने वो सबूत अमित को दिया, तो डीसीपी चित्रोले पहले अमित को मारेंगे। सर अमित को फोन करो। सर बेल बज रही है सर, पर उठा नहीं रहा। घंटी बज रही है? हाँ। तो या तो बात नहीं करना चाहता या फिर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। उर्वी अमित का फोन ट्रैक करो। सर यहाँ। यही कहीं है सर। कहाँ पर? इसका मतलब सर अमित यही कहीं है। हाँ सर। शायद वहाँ। अरे
रेसिपी? दया, ये यहाँ कैसे? दया, रेसिपी चित्रोले। रेसिपी चित्रोले यहाँ क्या कर रहे हैं सर? दया, पहले इसी से निपटते हैं। अरे पंकज, ओ नो, रेसिपी चित्रोले गोली चला रहे हैं। ठीक हो गया एक के बाद एक एजेंट मारे जा रहे, और हम खड़े चौराहे पर अंगूठा चूसते हुए। गोली लगी थी चित्रोले को, मगर भाग गया वो, लंगड़ाते भाग गया। पर हमारे हाथ लगी एक लाश इस बेचारे अमित की। अब बचे सिर्फ दो एजेंट्स, रोहित और सुशांत। ये देखो क्या लिखा है इस लाश पर। ये क्या लिखा है यार, अजीब सी भाषा है भाई साहब। ये पाली जैसी पुरानी भाषा है, और इसका मतलब है सोने का घड़ा। इस सोने के घड़े के पीछे जरूर कोई ना कोई राज है, कोई ना कोई राज है। पूरा सर, पॉट ऑफ गोल्ड। सोने का घड़ा है सर, खंडर में भी खूबसूरती है। हाँ, मगर उस आदमी ने इस जगह का नाम अपने छाती पर क्यों लिखा? जब भी किसी चीज का टैटू कोई अपनी छाती पर बनवाता है, मतलब बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। एक तो मरने वालों ने कंफ्यूज कर रखा है, ऊपर से चित्रोले साहब ने बिन बादल बरसात कर रखी है लाशों की। सर, कहीं इस जगह पे सोना तो नहीं छुपा हुआ है, तभी इसका नाम पॉट ऑफ गोल्ड है। हाँ। देखो इनके हम पे गोलियां चला रहे हैं।
एक एक को यहीं लेटा दूंगा। तूने यहां भी चित्रोले यहां आया है, ये सारे लोग उसके ही है, गैंग बना के रखा है। डीसीपी चित्रोले के साथ कोई और भी है सर? इस चित्रोले को खत्म कर डालो, वंस एंड फॉर ऑल। वो भान कर डालो सर। इसकी क्या हालत? मार डाला चित्रोले को। देश के साथ गद्दारी करने वाले का यही अंत होता है। सर आपने अपने सीनियर ऑफिसर को मार दिया? सीआईडी के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है सर। विनीत बल्टो इसे ऐसी कोई गोली बनी ही नहीं जो चित्रोले को मार सके। नो 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 ऐसी निहत्ते को मारना पाप है। तुम्हें क्या लगा मर गया डीसीपी? अरे ये भी इन अपराधियों के गैंग का आदमी है, मैंने अपने कपड़े पहना दिए इसे, कहा कि सीआईडी डीसीपी को गोली नहीं मारेगी। और वो पहली तीन लाशें देश को बेचने निकले थे वो। रोहित कह रहा था कि आपने उनसे पैसे मांगे। ये पांचों के पांचों बदमाश थे, अगर मैं इनको नहीं रोकता तो ये तो चले गए थे बॉर्डर के पास। बॉर्डर क्यों? उस तरफ मतलब दूसरे देश? और क्या, ऋषिकेश तक तो पहुंचे गए थे, फिर कितनी देर थी उधर जाने में। सर हम भी तो ऋषिकेश में ही थे, आपने हमें क्यों नहीं बुलाया सर? टाइम किधर था बताने का, और केस थोड़ा सीक्रेट है, तो मैंने सोचा
बताऊं कि नहीं? मतलब हम पर विश्वास नहीं है? हम सीक्रेट बेच देने वाले थे, उस ढीचू पर हमसे ज्यादा विश्वास है आपको? हमारे सामने कौन मुंह खोलता है? पहला अपराधी तो उसी ने ढूंढ के निकाला ना, हरिद्वार में से। अच्छा, उसने ढूंढा और आपने उसे टिकट दे दिया स्वर्ग का? मिस्टर चित्रोले, सब ने देखा है आपको उस कमरे में घुसते हुए। हाँ, मगर निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। इसी का नाम तो चित्रोले है। जी सर, ये तो सबको मालूम है। आपका काम हो गया और बेचारे ढेचू की कुर्बानी। किसी को भी बताया नहीं आपने कि ढेचू का खून हो गया? अरे अभिजीत, तुम भी कभी कभी जज्बात में बह जाते हो यार। ढेचू जिंदा है। क्या जिंदा है? ढेचू जिंदा है? हाँ, मैं ठीक वक्त पे पहुंच गया जॉर्ज एंड्रयू। अब जिस चीज को लेकर वो लोग दूसरे देश बेचने जाने वाले थे, वो है कहाँ? वो तो आपके पास है ही नहीं। यही तो रोना है ना, तो वो चीज रोहित के पास मिली है और ना अमित के पास है। एक मिनट सर, ये रोहित पल्टन बाजार गया था ना, उस कपड़े की दुकान में कोई पार्सल लेने के लिए। सर, अगले हफ्ते मेरी वाइफ का जन्मदिन है, वो किसी के लिए कुछ कपड़े खरीदने गया था। झूठ बोल रहा है सर, वो झूठ बोल रहा है। वाइफ के लिए कपड़े वपड़े लेने नहीं गया था, बल्कि कपड़ों में छिपी हुई वो चीज लेने गया। कहाँ घुसे चले आ रहे हो? हमें आपसे कुछ पूछना है। ये मेरा घर है, जो भी पूछना है दुकान पे आइए आप। एक मिनट, बात तो सुनिए हमारी। कहाँ ना, ये घर है, कोई बात करनी है दुकान पे आओ। अरे मगर दुकान पे आप रहते थोड़ी हो। अबे तू कौन बताओ? रोहित आपकी दुकान में क्या पार्सल लेने आया था? कहाँ ना, दुकान पे आओ। एक मिनट, पार्सल में नीली शर्ट थी और नीली शर्ट में चिप छुपाया था। कॉलर में चिप छुपाई है। रोहित ढूंढता ढूंढता आया था उस शर्ट को। इसका मतलब है कोई बहुत जरूरी चीज छुपाई है उस चिप में। कहाँ है वो शर्ट? वो शर्ट तो मैंने अमित को दिया था। पर अमित के पास तो हमें कोई चिप नहीं मिला। सर, कहीं अमित ने वो चिप रोहित को तो नहीं दे दी? यही तो गलती हो गई हमारी, ठीक से तलाशी नहीं ली रोहित की। सर, हेलो, क्या? ओह नो, ठीक है, उसका पीछा करना, हम लोग पहुंचते हैं। ओके। क्या हुआ? सर, रोहित हॉस्पिटल से भाग गया, एक एम्बुलेंस में बैठ गए। इससे पहले कि वो चिप गलत हाथों में पड़े, हमें रोहित को ढूंढना होगा। पानी, पानी, पानी पिला दे यार। हे हे पाजी, थोड़ा मुंह खोलो, नहीं तो पानी बाहर गिर जाएगा। और खोलो। सर, हॉस्पिटल में रोहित ने जिस वार्ड बॉय को फोन करने के लिए कहा था सर, हमने उसे पकड़ लिया सर। हाँ हाँ सर, जिस लड़की को फोन करवाया था सर, वो अभी तक आई नहीं है सर, हम लोग वेट कर रहे हैं। तुम लोग पिकनिक मनाना बंद करोगे तो ही पता चलेगा ना, लड़की यहीं पर है। यहीं कहीं होनी चाहिए सर। हाँ सर, यहीं कहीं है वो लड़की, उसमें दिखाई दे रहा है सर, यहीं कहीं। यही है शायद, यही है वो। आपकी एक फोटो खींच दूं? नहीं नहीं, मैं बॉबी फोटोग्राफर वर्ल्ड फेमस, आपकी फोटो खींच देता हूँ। चंगी नहीं, मुझे फोटो नहीं। अरे आप ये पहनो, आपकी ये देखो, ये बोलो, आप पहनो, बहुत सोनी लगोगे। आप रहने दीजिए। अरे सुनिए तो, मेरे पास टाइम नहीं है, आप रहने दीजिए। कोई आने वाला है? नहीं,
आने तो कोई नहीं वाला है। तो फिर तो पाजी के साथ खिंचा लो। मैं नहीं चाहती पानी पानी पिला दो मैडम, मैं आपके होटल भिजवा दूंगा। तो यहाँ से निकल गई। को देख रहा है जैसे सारा बगीचा खरीदने वाला है। किसी ने देखा तो नहीं? पैसे लाइयो? हाँ, पूरे 10 लाख हैं। बाकी गए? ये तो यहाँ रहे। सटी एक मिनट। अरे थैंक यू। अब मुझसे गलती होगी सर, मुझे माफ कर दो। देश के सीक्रेट्स बेच रहा है क्या इस बैग में? कुछ नहीं सर। क्या? चिप? क्या है इस चिप में? क्या है? देश में कहां कहां मिसाइलें लगी है, उसका नक्शा। क्या? चंद पैसों के लिए भारतवर्ष बिक गया। जैसे ही मुझे पता चला कि हम लोगों में से कई गद्दार बन गए हैं तो मैं निकल पड़ा। ढूंढ ढूंढ के निकाला एक एक को। याँ याँ। विनित, लीजो इसे। हाँ तो एसीपी प्रद्युमन सर, सुना है तुमने मेरी मौत का वारंट निकाला। क्या? किल चित्रोले? किल चित्रोले? यस मिस्टर प्रद्युमन। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? चित्रोले को मार दो। अरे अभिजीत, अभिजीत हाँ, मेरा वारंट निकाला। हाँ सर। हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है सर। दया, किल चित्रोले? मालूम नहीं सर, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। कुछ नहीं सुना? नहीं सर। मिस्टर फ्रैंक है, सीआईडी में कौन लाया? नहीं सर, सर मैं तो आपको कितना प्यार करता हूँ सर, मैंने तो आपका नाम अपने हाथ पे लिखवा दिया है। ये देखिए सर, आई लव चित्रोले। आई लव चित्रोले? हाँ हाँ सर, हमने भी बनाया सर, ये देखिए, आई लव चित्रोले। सब मेरे लिए? हाँ सर, सर। आपके लिए किया है। We love you, sir. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.